ठीक है, 230 / 50 4.6 रेशो वी बाई एफ कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, हमें वी बाई एफ को पहले पहले टेबल में वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट रखना है। तो 4.6 कॉन्स्टेंट रखने के लिए हमें पहले फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे रखना है, पहले दो 50 के ऊपर, फिर 50, फिर 50 के दो नीचे। ठीक है, 50 के दो नीचे के लिए तू रियोस्टैट यूज़ करेगा उधर का। ठीक है, रियोस्टैट को थोड़ा आगे बढ़ाने से, रियोस्टैट को थोड़ा सा इस तरफ करने से, ठीक है, वो रेशियो चेंज होगा। 40 यहाँ पे जैसे 47.2 था तो 49 होगा। या इस तरफ करने से या इस तरफ करने से, इस तरफ करने से या इस तरफ करने से, ये रेशियो ये वाला चेंज होगा, 47 होगा फिर 49 होगा। ठीक है, तो वो तुम देख लेना, वो उसको वहाँ तक रखना। उसके बाद 50, जैसे 50 आ जाए, ठीक है, 50 के ऊपर अगर तुझे फ्रिक्वेंसी चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। इसको धीरे धीरे ऊपर करोगे तो 50 के ऊपर वाला रेशियो दिखाएंगे, 51 52। ठीक है, अब देखो ये वी बाई एफ कॉन्स्टेंट था, तो इसको इससे इंटू करने पे, 4.6 से इंटू करने पे जितना वोल्टेज आया, जितना भी वोल्टेज आया, मतलब पहले से 47.2 से फिर 217 तक, तो जितना भी वोल्टेज आया वो हमें किस तरह से वेरी करना है, इसके थ्रू। ठीक है, इसको ये मिनिमम पोजीशन पे था यहाँ पे। ठीक है, तो जितना लाओगे 200, जैसे 47.2 इंटू 4.6 217, तो इसको वेरी करने से तुम्हारे जो यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा वो 217 तक आना चाहिए। वैसे उसके अकॉर्डिंग और भी रीडिंग्स लेंगे। थैंक यू।